हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर शाहिदा बावा। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग जो ये टॉपिक है SYBMS, SYBA प्लस SYBCOM के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो हम इसमें इस तरीके से पढ़ेंगे कि तुम लोगों को MCQ में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो तक हम मैं कवर करूँगी, ठीक है। हम कौन मीनिंग पढ़ेंगे, हम फीचर्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि एग्जैक्टली एडवर्टीजमेंट के फ़ीचर्स क्या हैं, और मीनिंग में ये देखेंगे कि एडवर्टीजमेंट होता क्या है। ऑलराइट, तो एडवर्टीजमेंट है क्या? एडवर्टाइजिंग वर्ड जो है वो कहाँ से आया है, उसका मतलब क्या होता है? तो द वर्ड एडवर्टाइजिंग कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एडवर्टियो। इसका मतलब होता है टू टर्न द माइंड टूवर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, नॉर्मली अगर हम कहें कि ठीक है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एडवर्टाइजिंग लैटिन वर्ड से आया है, क्या मतलब है ना, तो एडवर्टाइजिंग लैटिन वर्ड एडवर्टियो से आया है, जिसका मतलब होता है कि लोगों को अवेयरनेस पहुंचाओ कि हमारा ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आ गया है। नॉर्मली एडवर्टाइजिंग का मतलब ही होता है कि कस्टमर को अट्रैक्ट करो, ठीक है, अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस, और उनको उस तरीके से इन्वॉल्व करो ताकि वो अपने ब्रांड पर बहुत ज़्यादा फोकस और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहे। ओके, तो आई गेस ये मीनिंग जो है वो समझ में आया। द वर्ड एडवर्टाइजिंग कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एडवर्टियो, मीनिंग टू टर्न द माइंड टूवर्ड्स, ठीक है। अब हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन कहता है एडवर्टाइजिंग इज डिफाइंड एज एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज, गुड्स और सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। इसका मतलब ये है कि एडवर्टाइजिंग जो है, अगर मुझे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं पे करूँगी, है ना। जब मैं पे कर रही हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मैं इंसान को लेकर ही पे करूँ, मैं एनिमेटेड भी तो बना सकती हूँ ना, मैं एनिमेटेड व्यूज़ भी प्रेजेंट कर सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने अक्सर वोडाफोन में देखा है जूजू जो आते हैं, ओके, फिर IPL में जो वोडाफोन के एडवर्टीजमेंट आते थे कपल के, हल्दी मेहंदी शादी तक का उन लोगों ने पूरा वो खींचा था IPL तक का, है ना। तो किस तरीके से उन लोग प्रेजेंट करते हैं, अब प्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या, प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज़, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग हमेशा याद रखना है, एडवर्टाइजिंग एक पेड फॉर्म है। पेड फॉर्म किसका है, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन का। हम क्यों करते हैं, ताकि हमारे जो भी आइडियाज़ है, गुड्स है एंड सर्विसेज है, उसे प्रमोट करने के लिए। और वो प्रमोट कौन करता है, वो प्रमोट करता है बाय आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, ओके। अभी नेक्स्ट उसका देख लेते हैं फीचर्स क्या है। सबसे पहला जो फीचर है वो है प्रोसेस। सी, एडवर्टाइजिंग जो है वो बहुत ही क्रिएटिव और सिस्टमेटिक प्रोसेस है ना। बिना क्रिएटिविटी के हम एडवर्टीजमेंट नहीं बना सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको प्लान करना पड़ेगा कि हम एडवर्टाइजिंग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, कितने टाइम करेंगे, कौन सा मीडिया होगा जो हम एडवर्टाइजिंग करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वी नीड टू प्लान आर एडवर्टीजमेंट अप्रोप्रिएटली। आफ्टर प्लानिंग द एडवर्टीजमेंट वी विल प्रिपेयर द एडवर्टीजमेंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे कि हमारा जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो कैसा है, टारगेट ऑडियंस कौन है, कॉम्पिटिटर मार्केट में कौन कौन है, ठीक है। तो उस तरीके से हम क्या करेंगे, हम उसको प्रिपेयर करेंगे, और जब वो प्रिपेयर हो जाता है हम उसको क्या करेंगे, हम उसको प्लेस करेंगे अप्रोप्रिएट मीडिया। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे न्यूज़पेपर में डालना है तो मैं न्यूज़पेपर में डालूँगी, अगर मुझे कोई टीवी चैनल पे डालना है तो, है ना, मैं वो कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, प्लेस कर दिया। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रोसेस। प्रोसेस में हम क्या करेंगे कि एडवर्टाइजिंग इज़ अ क्रिएटिव एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस। प्रोसेस में हमने देखा प्लान करेंगे, देन वी नीड टू प्रिपेयर, एंड फाइनली वी नीड टू प्लेस दी एड्स। नेक्स्ट पॉइंट है पेड फॉर्म। जैसे मैंने कहा एडवर्टाइजर पेज फॉर द टाइम एंड स्पेस यूज्ड इन द मीडिया। अगर तो मुझे एक पर्टिकुलर चैनल, फॉर एग्जाम्पल स्टार प्लस पे अपना प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, ठीक है, अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो मुझे उसके टाइम के लिए, मुझे उसके स्पेस के लिए आई नीड टू पे, ओके। तो यहाँ पर जब मैं पे कर रही हूँ तो क्या होगा,
लोगों को पता चलेगा ना कि मेरा जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो मार्केट में आया है, तभी तो लोग सामान खरीदेंगे। इसलिए तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं एडवर्टीजमेंट कर रही हूँ ताकि लोग जो है वो क्या हो सके, अवेयर हो सके अबाउट माय प्रोडक्ट। नेक्स्ट है नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। जैसे मैंने कहा सी एडवर्टाइजिंग इज़ ए नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ कमर्शियल मैसेजेस, ठीक है। ये हम फेस टू फेस नहीं करते हैं, इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं करते, बट हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ सिर्फ इंटरेक्ट करते हैं अपने कस्टमर तक। अब हम इंटरेक्ट कैसे करेंगे, हम थ्रू कोई भी चैनल से करेंगे, ठीक है। चाहे वो न्यूज़पेपर हो सकता है, चाहे वो रेडियो हो सकता है, चाहे वो मैगज़ीन हो सकता है। तो नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, एडवर्टाइजिंग इज़ ए नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ कमर्शियल मैसेजेस, जो नॉर्मली हम मीडिया लाइक टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर के थ्रू देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आइडियाज़, गुड्स एंड सर्विसेज। सी एडवर्टाइजिंग इज़ अंडरटेकन टू प्रमोट आइडिया, गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। अब गुड्स की जब हम बात करें तो गुड्स में हो सकता है टॉयलेट सोप्स, टूथपेस्ट, ठीक है, ये तो ये क्या है मेरे, ये नॉर्मल सामान है। पर अगर मैं सर्विसेज की बात करूँ, ठीक है, तो सर्विसेज में होटल्स आ जाएंगे, इंश्योरेंस आ जाएगा, बैंकिंग आ जाएगा, तो ये क्या है, ये सर्विसेज है। अब जब मैं आइडियाज़ की बात करूँ तो एडवर्टीजमेंट थ्रू आइडियाज़ भी तो होता है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल पोलियो डोज का हो गया, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल गो ग्रीन हो गया है, ठीक है, तो ये क्या है, ये आइडियाज़ है, हम लोगों को अवेयरनेस पहुँचा रहे हैं, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट कैन बी रिलेटेड टू गुड्स, सर्विसेज एंड आइडियाज़, ऑल राइट। नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। सी एडवर्टाइजिंग में स्पॉन्सर इज ऑलवेज आइडेंटिफाइड ईदर बाय द फर्म्स नेम या फिर ब्रांड नेम, ठीक है। अभी यहाँ पर अमूल की जब मैं बात कर रही हूँ तो अमूल क्या है, ब्रांड नेम है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक स्पॉन्सरशिप जो भी आता है, जो भी प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट हम करते हैं, उसका क्या होता है, उसे आइडेंटिफिकेशन मिल जाती है, ऑलराइट। तो इसका मतलब क्या है, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। तो एडवर्टाइजिंग में स्पॉन्सर इज ऑलवेज आइडेंटिफाइड इन द नेम ऑफ ईदर फर्म्स या फिर ब्रांड। नेक्स्ट कहता है एडवर्टाइजिंग इज आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशनल। आर्ट मैंने क्यों कहा, क्योंकि क्रिएटिव है ना, रिक्वायर्स क्रिएटिव टैलेंट टू प्रोड्यूस गुड्स एड। जब तक मैं क्रिएटिव नहीं बनूंगी, ठीक है, जब तक मैं अच्छे तरीके से आइडिया जनरेट नहीं करूंगी, तब तक लोगों को मेरे एडवर्टीजमेंट समझ में ही नहीं आएंगे, ओके। तो एडवर्टाइजिंग इज़ एन आर्ट, कला है ये, कि किस तरीके से तुम प्रस्तुत कर रहे हो अपना पर्टिकुलर ऐड। नेक्स्ट कहता है कि वो साइंस है, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने प्रोसेस के थ्रू गए हैं, हमने उसको प्लान किया, हमने उसको प्रिपेयर किया, फिर हम उसको प्लेस कर रहे हैं, है ना। तो हमने इतना सारा जो किया है वो क्या है, वो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, तो साइंस एक्सपेरिमेंट करता है, राइट। तो इसलिए हमने कहा साइंस। अब प्रोफेशन, सी नाउडेज एडवर्टाइजिंग इज़ कंसिडर्ड एज अ हाईली स्पेशलाइज प्रोफेशन। क्यों इसे हम हाईली प्रोफेशनल कहते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजिंग अभी मैनेज करता है एडवर्टाइजिंग एजेंसी, तो ये क्या हो गया, ये लोगों का प्रोफेशनल भी तो हो गया है, है ना। तो एडवर्टाइजिंग क्या है, आर्ट है, साइंस है, एज वेल एज प्रोफेशन है। नेक्स्ट कहता है एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स। सी एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या क्या हो सकते हैं, पब्लिसिटी, सेल्समैनशिप, सेल्स प्रमोशन, स्पॉन्सरशिप, जो ऑलरेडी हमने एलिमेंट्स में पढ़ चुका है, एलिमेंट्स ऑफ आईएमसी में भी तो हमने ये सब किया था ना, तो कुछ कुछ सिमिलर है ये, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग क्रिएट्स अवेयरनेस। अवेयरनेस क्यों होगा, अवेयरनेस हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ब्रांड इमेज डेवलप हो सके और लोग हमारा सामान खरीद सके थे। पर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए पब्लिसिटी करना पड़ेगा, सेल्समैनशिप करना पड़ेगा, डिस्काउंट्स ऑफर देने पड़ेंगे ना, तो ये सब कुछ क्या होता है, एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स। द लास्ट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि वो अवेयरनेस क्रिएट करता है। वो अवेयरनेस क्यों क्रिएट करेगा, ताकि लोगों के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट बना रहे मेरे ब्रांड या मेरे फॉर्म के बारे में। अगर तो पॉजिटिव एटीट्यूड बना रहेगा तो ही तो मेरा इमेज जो है वो बरकरार रहेगा, है ना। अब इमेज जब बरकरार रहेगा तो ही तो लोग लॉयल रहेंगे मेरे प्रोडक्ट के साथ में, है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्या है एडवर्टाइजिंग का, टू क्रिएट अवेयरनेस, टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड, टू एनहांस ब्रांड इमेज, लास्ट टू डेवलप ब्रांड लॉयल्टी, ठीक है। तो ये हमारे कुछ फीचर्स थे, प्रोसेस, पेड फॉर्म, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन,
आइडिया गुड्स एंड सर्विसेज, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, आर्ट साइंस एंड प्रोफेशनल, एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स एंड द लास्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग। होप ये जो टॉपिक था एडवर्टाइजिंग एंड फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग वो क्लियर होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कॉमेंट करना। थैंक यू।